फ्रेंड्स, आज ये नाश्ता देख के सबके मुंह में पानी आएगा, क्योंकि ये सबका पसंद का नाश्ता रहता है। भजिए तो सभी बनाते हैं, तो आज मैं बना रही हूँ बची हुई खिचड़ी से ये भजिए। तो सुबह जो खिचड़ी बनाई थी वो बहुत सारी बन गई थी, बच गई थी, तो मैंने सोचा उसका कुछ यूज़ कर लूँ। तो ये चटपटे भजिए बनाए हैं मैंने खिचड़ी के, बहुत टेस्टी बने हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी नई नई रेसिपी की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो ये मैंने लिया है खिचड़ी जो बच गई थी सुबह की खिचड़ी, तो ये मैं डाल रही हूँ एक बड़े बाउल में खिचड़ी को। और हम लोग खारी भात बोलते हैं क्योंकि इसमें दाल वगैरह नहीं है। और इसमें डाल दिया है मैंने कटा हुआ प्याज, ये डाल रही हूँ आलू जो ग्रेट करके मैंने रखा था, तीन चार पानी से धो के उसका पानी निचोड़ के डाला है ये आलू। और ये दो हरी मिर्ची कट करके डाल दी है बारीक। ये डाल रही हूँ लहसुन, तीन चार कली लहसुन है, लहसुन की है। और ये डाल रही हूँ मैं हरा धनिया। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन और चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। तो खिचड़ी थोड़ी तीखी थी तो आप थोड़ा कम मिर्ची का यूज़ कर सकते हैं इसमें। और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, 2 चम्मच में इसमें बेसन डाल रही हूँ। और ये सूजी डाल रही हूँ मैं इसमें ताकि ये क्रिस्पी बने, तो 2 ही चम्मच में इसमें सूजी भी डाल रही हूँ। 2 चम्मच बेसन है, 2 चम्मच सूजी है। और ये नमक डाल दिया है मैंने स्वाद अनुसार इसमें। और इसे अच्छे से मसल मसल के मिक्स करना, क्योंकि इसमें जो मैंने आलू और मटर डाले हैं ना, उन्हें हाथ से नहीं मसलूंगी तो वो फूटेंगे नहीं। तो ये चम्मच से मैंने सिर्फ मिक्स किया है, अभी मैं इन्हें हाथ से ये आलू वगैरह सब फोड़ दूंगी, अच्छे से मसल लूंगी, मैश कर दूंगी, ताकि ये इसमें सूजी में और आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये सूखा सूखा रहेगा तो इसमें थोड़ा सा हमें पानी भी यूज़ करना है। सूजी डाली है तो सूजी को फूलने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए, और खिचड़ी में इतना पानी नहीं था, खिचड़ी तो सूखी ही रहती है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, 1 छोटी चम्मच के लगभग, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो ये मिक्स करने के बाद इसे ढक के रखेंगे 10 मिनट, ताकि सूजी को फूलने का मौका मिल जाए अच्छे से। और ये मैंने 10 मिनट के लिए इसे ढक के रख दिया है। अभी 10 मिनट बाद मैं इसे खोल रही हूँ, तो ये हमारा भजिए का बैटर बन के रेडी है, अच्छे से बन चुका है और सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है। अभी चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लिया है ताकि ये हाथ में चिपके नहीं, और तेल गर्म हो चुका था। अभी मैं इसमें गोल गोल करके ये खिचड़ी का जो हमने बनाया ना भजिए का, वो इसमें थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, जितना कढ़ाई में आया उतना ही मैंने डाला है। और अलटते पलटते इन्हें अच्छे से क्रिस्पी होने तक, ऊपर से एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेना, फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए भजिए बन के रेडी है फ्रेंड्स। ऐसे ही मैं सब बना लूँगी भजिए, तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं। हम ये खिचड़ी का या फिर लेफ्ट ओवर चावल का हम बहुत सारे नाश्ते बना सकते हैं। जैसे इसकी आप इडली भी बना सकते हैं, पीस के इसमें और भी वेजिटेबल्स मिक्स करके इडली बनाइए, या फिर इसका डोसा बनाइए, या फिर इसके ये भी बना सकते हैं हम पराठे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और भजिए में अगर आप चाहें तो इसमें और भी वेजिटेबल्स जैसे गाजर, गोभी, या फिर और भी ब्रोकली वगैरह, जितनी भी वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं डालिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं ये भजिए। तो मैंने तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि जब मैंने खिचड़ी बनाई थी तभी मैंने इसमें राई, जीरा, लहसुन, प्याज, आलू और मटर डाला था, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं डाला है। तो भी ये बहुत टेस्टी बने हैं, और मैंने इन्हें सॉस के साथ सर्व किया है, जबकि मैं इन्हें चाय के साथ खाऊंगी, मुझे चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने इन्हें थोड़े स्पाइसी बनाए हैं, तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है या मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने लेफ्ट ओवर खिचड़ी की क्या क्या चीज़ें बनाई है, इडली, डोसा, या फिर भजिया, या फिर पराठे, क्या क्या बनाए हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ऐसी नई नई रेसिपी की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। तो कल फिर आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।